आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनीषा कृष्ण में और मैं हूँ मनीषा। गाइज आज हम बनाएंगे टोनर। गाइज हमारे फेस के लिए जितना ज़रूरी क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग है उतना ही ज़रूरी हमारे फेस के लिए टोनिंग भी है, लेकिन बहुत से लेडीज़ जो होती हैं वो टोनिंग भी स्किप कर देती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। टोनिंग ना करने से हमारा फेस डल हो जाता है और बहुत रूखा बेजान सा नज़र आता है। इसलिए हमें दिन में कम से कम अपने फेस पे दो बार टोनर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। टोनर इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे फेस का जो ओपन पोर्स है वो बड़ा नहीं होता और ढीला नहीं होता, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारे फेस पे एक कसाव बना रहता है, एक नेचुरल ग्लो रहता है, हमेशा हमारा फेस फ्रेश नज़र आता है और ग्लोइंग नज़र आता है। ये हमें ज़रूर करना चाहिए, हमें स्किप कभी नहीं करना चाहिए टोनिंग को। और गाइज आज हम बनाएंगे ग्रीन टी टोनर। ग्रीन टी में पता है आप लोगों को कि एंटी एजिंग होता है, ये हमारे फेस पे झुर्रियाँ नहीं आने देता, और सबसे अच्छी बात है हमारे त्वचा के अंदरूनी हिस्सों में जो सूजन आ जाता है वो सूजन को ये रोकता है, तो हमारे फेस पे सूजन भी नज़र नहीं आता। तो हमें टोनिंग ज़रूर करना चाहिए अपने फेस को। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप ग्रीन टी का टोनर कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, बनाते हैं ग्रीन टी का टोनर। तो ग्रीन टी टोनर बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे एक पतीला। इस पतीले को हमने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है और हम इसमें डालेंगे आधे ग्लास पानी और इसे हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम ये दिखा रहे हैं आपको ये ग्रीन टी। हमें ये ग्रीन टी बैग उसमें डालना है, देख सकते हैं पानी में बॉईल आ गया है। अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और हम ग्लास में ग्रीन टी को डाल देंगे इस तरीके से डाल देंगे, और फिर वो बॉयल वाटर हम इसके ऊपर से डालेंगे, देख सकते हैं इसको हम इधर से डालेंगे। इसको अच्छे से डीप कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस टी बैग को निकाल कर साइड कर दूंगी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हनी, आप देख सकते हैं हनी हम इसमें आधे चम्मच ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं मैं हनी इसमें डाल दूँगी आधे चम्मच हनी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे लेमन। लेमन मैंने लिया है, देख सकते हैं आप। लेमन को हम अच्छे से इसका जूस निकाल लिया हमने, इसका जूस निकाल लिया हम देख सकते हैं। अब मैं इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा कि हमारा चाय अच्छे तरह से ठंडी हो जाए, उसके बाद हम इन चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया है, देख सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके का स्प्रे बॉटल लेंगे, आप देख सकते हैं, और इसमें हम इसको डाल देंगे, आप देख सकते हैं मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। आपको जब भी यूज़ करना हो आप इसे अच्छे से इस तरह से सेक कर लें, उसके बाद अपने फेस पे स्प्रे करें। अब मैं इसे अपने फेस पे आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी आपको किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें स्प्रे करना है। इस तरीके से करना है आपको, ये बहुत रिफ्रेशिंग है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। तो आपने जैसे देखा मैंने ग्रीन टी का टोनर बनाया, आप भी इस तरीके से बनाएं और अपने फेस पे यूज़ करें। ये टोनर इस्तेमाल करने से हमारे फेस पे हमेशा फ्रेशनेस रहता है और हमारा फेस ब्यूटीफुल बना रहता है। और हमें दिन में कम से कम दो बार अपने फेस को टोनिंग जरूर करना चाहिए। और गाइस सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये टोनर बनाएं आप और बनाने के बाद फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से कम दो सप्ताह तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारण से ये फ्रिज में नहीं रख सकते हैं तो हर 3 दिन पे आप एक नया टोनर बनाएं, जैसे मैंने बताया वैसे ही।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।